Come watch my movie Jawan, releasing at the cinema location near you. तो hello and welcome again दोस्तों. तबाही चल रही है, तबाही बिल्कुल. दोस्तों जवान के एडवांस बुकिंग पोर्टल अभी अच्छी तरीके से चालू हो चुके हैं आज, और आज शाम तक पूरे भारत में ऑफिशियली हर जगह बुकिंग पोर्टल ओपन हो जाएंगे, जिसके रुझान आज सुबह से ही भयंकर तरीके से देखने को मिल रहे हैं. जहां दोस्तों एंड ऑफ द डे तक दबा के बुकिंग चलने वाली है. इसी के साथ कल लास्ट डे है 6 सितंबर, और कल जो सुनामी आएगी, हर घंटे जो आंकड़े हमें बदलते नज़र आएंगे देखने को मिलेंगे, बाई अमेजिंग. जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट बताऊँ तो 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग से कलेक्शन कर चुका है जवान. कल शाम 4 बजे तक यही आंकड़ा 18 करोड़ का था, और जस्ट 12 घंटे से ऊपर का ही समय निकला है अभी, और 4 करोड़ की सॉलिड उछाल मार ली है जवान ने. जी दोस्तों, आज डे 4 में एडवांस बुकिंग में कलेक्शन की बात करूं तो सुबह 10 बजे तक 22 करोड़ का टोटल कलेक्शन जवान कर चुका है पूरे इंडिया से, लगभग 7,50,000 टिकट एडवांस बुकिंग में सोल्ड आउट करके. जी दोस्तों, इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, अमेजिंग ग्रोथ बिल्कुल. कल लास्ट अपडेटेड बुकिंग थी 4 बजे तक की, 6,30,000 की बुकिंग थी जवान की, और अभी 10 बजे तक 7,50,000 टिकट ये बेच चुके हैं जवान. इसी के साथ नेशनल चेन्स की अगर बात करूं तो लगभग 3,05,000 टिकट सिर्फ नेशनल चेन्स से बेच चुका है जवान. वहीं दूसरी तरफ बुक माई शो इंटरेस्ट रेट लगातार आगे बढ़ रहा है, और बुक माई शो पर 6,36,000 का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट हो चुका है अभी तक सुबह 10 बजे तक. आज 5 सितंबर की बात करूं तो आज डे 4 है एडवांस बुकिंग का जवान का, और अभी तो पूरा कल का दिन बाकी है, और परसों 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक दबा के बुकिंग चलने वाली है. भाई साहब सारे आंकड़े बदलते नजर आएंगे, बाय गॉड. वही मैं बता दूं तो जवान को अभी सुबह 10 बजे तक टोटल 10,500 शोज अपने नाम कर चुकी है पूरे भारत में, नॉर्थ साउथ सारी बेल्ट को मिलाकर, तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस को मिलाकर 10,500 शोज अपने खाते में रख चुका है जवान. इसी के साथ डिटेल में अगर बताऊं कौन से स्टेट में शोज ओपन हुए हैं और कितने शोज कहां पर कौन से स्टेट में जवान को मिल चुके हैं, तो महाराष्ट्र इसमें सबसे नंबर वन है. जी हां दोस्तों, जिसके बाद टोटल 1,370 शोज हैं. दिल्ली के पास 1,050 शोज हैं, कर्नाटका के पास 590 शोज हैं, तेलंगाना के पास 450 शोज हैं, वेस्ट बंगाल के पास 480 शोज हैं, यूपी के पास 600 शोज हैं, और तमिलनाडु के पास 580 शोज हैं. जी हां दोस्तों, साउथ में जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है इस बार बॉलीवुड की फिल्म को, एसआरके को. गुजरात के पास 1,390 शोज हैं, आंध्र प्रदेश के पास 525 शोज हैं, और राजस्थान के पास 420 शोज हैं. जी हां दोस्तों, अभी गदर 2 और ड्रीम गर्ल 2 लगातार तांडव मचा रही हैं. अभी क्लियर नंबर नहीं आया है कि टोटल कितने स्क्रीन्स और मिल चुकी हैं जवान के पास, तो कल शायद सारा आंकड़ा हमें पता लग जाएगा. बाकी पूरे भारत में बुकिंग दबा के चल रही है, और साउथ में भी इस बार बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. लेकिन कुछ लोगों का अभी भी कहना होगा कि तमिल और तेलुगु से बुकिंग ज्यादा हो तो नहीं रही है, तो फिर कहां से अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, साउथ में हिंदी से, ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी से जबरदस्त बुकिंग चल रही है इस बार. देखो, ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी देखने का मजा ही अलग होता है, एवरीवन नोज, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है. मैं भी हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश में ही देखता हूं, बाकी तमिल तेलुगु मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, वरना साउथ की फिल्में भी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखूं. तो ऐसा नहीं है कि साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जवान को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. एसआरके स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है साउथ में, जबरदस्त बुकिंग चल रही है. तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी. आपको क्या लगता है, जवान 7 सितंबर से पहले पहले सिर्फ एडवांस से 40 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगा या नहीं, और डे 1 से क्या जवान 70 करोड़ का बिजनेस इंडिया से कर पाएगा या नहीं? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देकर जाना. बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.